नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बेटे अखिलेश के तख्ता पलट के बाद चुनाव आयोग जाने के लिए दिल्ली रवाना हुए मुलायम। चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा करेंगे पेश। मुलायम ने 5 जनवरी को होने वाला अधिवेशन भी टाला। अखिलेश गुट भी चुनाव चिन्ह पर करेगा दावेदारी। समाजवादी पार्टी में जारी घमासान के बीच लंदन से दिल्ली लौटे अमर सिंह। कहा, मुलायम सिंह के साथ हूं और रहूंगा, मेरे लिए दल नहीं दिल जरूरी। कल पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश ने अमर सिंह को पार्टी से किया था बाहर। सुप्रीम कोर्ट से अनुराग ठाकुर को बड़ा झटका। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए गए अनुराग, गलत एफिडेविट देने और कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने का है आरोप। नए साल पर लोगों को मिली महंगाई की नई किश्त। पेट्रोल 1.29 रुपए जबकि डीजल 97 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। आधी रात से लागू हुई कीमतें। रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज। नोटबंदी के बाद नए साल की पहली रैली में चुनावी सौगातों का पिटारा खोल सकते हैं पीएम। आज वतन लाया जाएगा इस्तांबुल में मारे गए भारतीयों का शव। आतंकी हमले में फिल्म मेकर अबीस रिश्ती और फैशन डिजाइनर खुशी शाह की हुई थी मौत। और नए साल में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में भी बड़ी ठंड। शीतलहर से कांपा उत्तर भारत। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।